और गांव में भेखू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। भेखू पहले तो बहुत मेहनती हुआ करता था, लेकिन जब से उसकी दोस्ती पियक्कड़ रामलाल के साथ हुई थी, वो भी बहुत कामचोर हो गया था। यार बताओ कितना मजा है ना, घर पे खाली बैठे रहने का और सोए रहने का। यार रामलाल, तुम तो सच ही कहते थे, ऐसी जिंदगी जीने में तो बहुत मजा आता है। जब चाहा खाया पिया सोया और जब चाहा बाहर घूम फिर आया। मैं जब तुम्हें हर समय घर में सोया देखता था तो सोचता था कि रामलाल पता नहीं कैसे हर समय घर में रह लेता है, बोर ही नहीं होता। लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि इस जिंदगी का तो मजा ही कुछ और है। लेकिन यार वो मेरी पत्नी सावित्री है ना, मेरे बस कान ही खाती रहती है। मगर मैं भी ऐसा ढीठ बन गया हूँ, उसकी बातें एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। मेरी तरह मैं भी तो ऐसा ही करता हूँ। अच्छा रामलाल, अब मैं चलता हूँ, सावित्री ने खाना बना लिया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सारा खाना खुद खा ले और बच्चों को खिला दे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। और फिर भीखू वहाँ से चला जाता है। जब वो घर वापस आता है तो सावित्री भी सब्जी खरीद के घर आ चुकी थी। तुमने खाना बना लिया कि नहीं? मैं तो सब्जी लेके अभी आई हूँ, इतनी जल्दी कैसे बना लेती खाना। सावित्री बिचारी दिन भर दूसरों के घर काम करके थक चुकी थी, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना ही था। सावित्री किचन में जाकर खाना बना लेती है और अपने पति और बच्चों को खाना खिला देती है। फिर रात हो जाती है और सावित्री के बच्चे सो जाते हैं। सुनिए, मैं दूसरों के घर में काम करके बहुत थक जाती हूँ, आप कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? ऐसे में मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी और मुझे बाहर काम नहीं करना पड़ेगा। तुम बाहर काम करके मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करती, मैं भी घर में सारा दिन बच्चों का ख्याल रखता हूँ। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से आपकी दोस्ती रामलाल से हुई है ना, आप भी उसकी तरह कामचोर ही बन गए हैं। सावित्री अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति गहरी नींद में सो गया था। और फिर हमेशा की तरह अपने सर खपाने के बाद सावित्री भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन सावित्री काम पे जाने से पहले अपने पति से कहती है, मैंने नाश्ता बना लिया है, बच्चों को मैंने खिला भी दिया है, आप भी उठकर खा ले और बच्चों का ध्यान रखना। आजकल गांव में एक डाकू आता है और वो बच्चों को उठा ले जाता है, नाश्ता करके फिर सो मत जाना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा बच्चों को। फिर सावित्री काम करने निकल जाती है। उसके जाने के बाद उसका पति भीखू नाश्ता करता है और फिर से सो जाता है। मुन्नी, हम आज बाहर जाएं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। नहीं कोलो भैया, मम्मा गुस्सा होंगी। मम्मा को कौन सा पता चलना है, हम उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे। और फिर सावित्री के बच्चे मुन्नी और गोलू चुपके से घर के बाहर चले जाते हैं, जबकि उनके पापा सारी दुनिया से बेखबर नींद के मजे ले रहा था। वो दोनों बच्चे चलते चलते थोड़ा दूर निकल जाता है। अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा में आ गए हैं और उन्हें किस दिशा में जाना है। भाई, मैंने आपसे कहा भी था कि हम अकेले घर से बाहर ना निकले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, अब हम घर कैसे जाएंगे? वो दोनों बहन भाई ऐसे रो रहे थे, तभी वहाँ उनके पास एक आदमी आता है। वाह, आज तो अच्छा शिकार मिला है, दो दो बच्चे, वो भी बिल्कुल अकेले, आज तो मजा ही आ जाएगा।
बच्चों क्यों रो रहे हो? इधर आओ अपने अंकल के पास, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। तभी कुछ काम से सावित्री वहाँ से गुजर रही थी। उसे एक आदमी के पास अपने बच्चे दिखाई देते हैं। वो समझ जाती है कि ये वही डाकू है। उनके माँ तो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। भैया भैया, आपको पता है आज चारों तरफ इतने पुलिस क्यों घूम रहे हैं? मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, गांव के सभी कोनों में पुलिस झंडा लेके बैठी है। ऐसा सुनकर वो आदमी का रंग ही उड़ जाता है। कुछ नहीं बहन, आजकल के घरों में बहुत चोरी हो रही है, शायद इसीलिए वो पहरा दे रहे होंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से तुरंत 9:00-11:00 हो जाता है और सावित्री जल्दी से अपने बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसका पति अभी तक सो रहा था। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर जाने वाले थे। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों को? आप घर में रहकर बच्चों का तो ठीक तरीके से ख्याल रख सकते हैं। फिर सावित्री अपने पति को सारी बात बताती है। आज अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो वो आदमी तो मेरे मासूम से बच्चे को पकड़ के लेकर ही चला जाता। भीखू अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है। सावित्री सारी रात जागती रहती है। वो बस अपने बच्चों के बारे में ही सोची जा रही थी कि आज अगर वो आदमी उसके बच्चों को पकड़ लेता तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को खो देती। उस परेशानी की वजह से सावित्री को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। अगली सुबह सावित्री का पति पहले ही उठ जाता है, जबकि सावित्री अभी तक सोई हुई थी। यह सावित्री अभी तक क्यों नहीं उठी? सावित्री, सावित्री उठो, देखो कितनी सुबह हो गई है। लेकिन सावित्री उठ नहीं पा रही थी। भीखू जैसे ही सावित्री को छूता है तो उसे पता चलता है कि सावित्री को बहुत तेज बुखार है। सावित्री, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। फिर भीखू खाना बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। आज वो काफी दिनों बाद इतना काम किया था इसलिए बहुत ज्यादा थक जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम तक भीखू काम करके वापस घर आ जाता है। आकर खाना भी वही बनाता है। इतनी थकान के बावजूद भी उसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना था। उसे अब एहसास होने लगा था कि सावित्री कैसे इतने लंबे समय से ये सब अकेले कर रही थी। वह भोजन तैयार करके अपने बच्चों और पत्नी को खाना खिलाता है। आज तो आप बहुत थक गए होंगे ना? सावित्री, मुझे माफ कर दो, आज मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया है। अब से मैं काम करके 2 पैसे कमा के लाऊंगा और तुम मेरे बच्चों और घर की देखभाल करोगी। पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और गाड़ी 2 पहियों के साथ ही ठीक चलती है। सावित्री अपने पति में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश हो जाती है।